शॉटिंग बनाएगा बनाना था जो बिहार के विद्यार्थी हैं, खासकर बिहार मूल के जो छात्र हैं, जिनका 10वीं का रिजल्ट आ गया है, जिनका 12वीं का रिजल्ट आ गया है, उन बच्चों के को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को बताना चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट आने के बाद हमको इंजीनियरिंग और मेडिकल तैयारी अगर करनी है तो देरी नहीं करनी चाहिए। और ये बाजार समिति में नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है 14 से, और इसके बाद जो अगला बैच स्टार्ट होगा वो 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो बाजार समिति में खोलने, बाजार समिति में नया सत्र को स्टार्ट कर रहे हैं, उससे बच्चों को 2-3 एडवांटेज है। एक तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सेपरेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पढ़ाई मुख्यतः हिंदी में होगी। उनको जो असाइनमेंट दिया जाएगा या जो उनका टेस्ट पेपर होगा वो 2 माध्यम में होगा, तो उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे, हिंदी में भी होंगे। तो बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार असाइनमेंट से प्रैक्टिस कर पाएंगे और एग्ज़ाम में भी अपनी भाषा में जिनकी भी उनकी प्रोफिशिएंसी है, जो भाषा में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, उसके हिसाब से वो आंसर कर पाएंगे। तो ये सुविधा बच्चों को मेंटर शेडो सब दे रहे हैं। दूसरा, अभी जैसे कि कोविड की वजह से काफ़ी सारे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रख के हमने बाजार समिति सेंटर पर अभी फी भी कम रखा है, काफ़ी स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं। और ये स्कॉलरशिप बच्चों के को जो मिलेगा उसके लिए उनको अलग से कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके बोर्ड मैट्रिक के प्राप्तांक हैं और जो इंटर के प्राप्तांक हैं, उसी के बेसिस पे उनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने बोर्ड में टॉप 10 स्कोर किया है या फिर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हैं, उन सारे बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। और जो बच्चे बहुत मेधावी होंगे, उनका हमें टेस्ट सड़क से लेके उनके रहने खाने की व्यवस्था भी मुफ्त रख देंगे। जो निर्धन छात्र हैं और वो अगर फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ अतिरिक्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। तो हमने सारे बच्चों का ध्यान में रखते हुए इस नए सत्र की शुरुआत की है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने में मेडिकल स्टोर से मदद कर सके और उनका संपर्क इससे बच सके। स्कॉलरशिप हमने जो मैट्रिक के प्राप्तांक हैं और जो इंटर के प्राप्तांक हैं, जिन बच्चों को 11वीं में एडमिशन लेना है, उनका जो प्राप्तांक होगा मैट्रिक का, उसके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसे जिन बच्चों का मैथ साइंस में 90% से अबव है, उनको हम लोग बहुत कम फी पे बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके और वो भविष्य में अच्छा कर सके।